एक चीज और दिमाग में रखना, एसएससी स्टेनो 2023 के सभी स्टूडेंट, क्रूशियल डेट 23 अगस्त है। तो जितना भी कार्ड सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, देखो होता क्या है ना, कई लोग कहेंगे कि सर हिंदी वाला भी चल जाता है ऐसा वैसा। देखो डिपेंड करता है, जो भी कमिटमेंट अथॉरिटी का जो भी जो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अगर वहाँ पर बैठा है, उसको अगर चीज़ें पता है कि भाई ऐसा ऐसा रहता है एसएससी वाला जो फॉर्मेट उसमें चाहिए, तो अगर उसने देख लिया हिंदी में है, या मान लो आपका पोस्टिंग जो है वो आपका जो साउथ में हुआ जाएगा, तो वहाँ पर उसने देखा कि यार ये तो हिंदी में है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि आपका फिर फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो आपका सर्टिफिकेट है वो हिंदी में ना हो के इंग्लिश में होना चाहिए, ये चीज़ आप दिमाग में रखो। इंग्लिश में पूरा उसका जो भी लैंग्वेज है वो होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना हुआ है, जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपका कार्ड सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, अगर उसमें हिंदी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑफलाइन में अगर आपने पूरा कराया हुआ है तो दिक्कत है, ऑनलाइन में अगर बना हुआ है तो वो उसमें आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।